हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। मैंने मुझे की नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है, फिर रह गई हमारी ईद की नमाज़ पढ़ना। जो जमात है 6:05 पे, तो मैं अभी घर आ गया था, तो फिर अभी मैं जाऊंगा नमाज़ पढ़ने। और आप देख सकते हैं पीछे हमारे बकरे खड़े हुए हैं जो बेचारे अभी कटेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी बने हुए हैं। तो हमारी गाय तो तीसरे दिन कटेगी, बाकी जो गाय हैं इनमें से कुछ अभी कटेंगी और कुछ कल कटेंगी। तो बकरे तो अभी कटने वाले हैं, तो फिलहाल बस 6:05 पे अपनी नमाज़ का टाइम है, तो अभी हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो फिर आपसे मिलता हूँ। मेरी प्यारी सी गाय जो है बैठी हुई है, प्यार करते हैं इसको। हाँ, बेचारी ये भी बस 2 दिन की मेहमान है, ये तो तीसरे दिन कट जाएगा। और बाकी अभी जो गाय कटेगी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये अभी कटेगा और ये कल का सीन है, इसका जो सीन है वो कल का है। और एक अभी ये कटेगी, और बाकी ये दोनों बकरे भी अभी बेचारे छोटे छोटे से जो हैं हमारे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे, तो कटने वाले हैं भैया हमारे मोहसिन भाई। प्यार करते हुए बकरे को मार रहा तो नहीं है, शरीफ है क्या? सीधा ये बेचारे अभी लेटेंगे और कटेंगे, अल्लाह अकबर, काम इनका ख़राब हो जाएगा। बस कितने दिनों से इंतज़ार था कुर्बानी का, तो फिर आखिर वो दिन आ ही गया है। दूर हटियो कपड़ों को छीटने आ जाए। हमारी गाय भी आराम से बैठी हुई है, अभी इसको मेरे को चारा बना के भी देना है, इसको चारा बना के देता हूँ। और कपड़े वगैरह चेंज करके पहले नमाज़ पढ़ लेता हूँ जाके, बस पता नहीं कहाँ रहेगा, ये लोग आ जाएँ दोस्त तो फिर नमाज़ पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, ये लोग आ जाए ना, फिर इनका इंतज़ार करना है, फिर साथ जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने। ईद की नमाज़ पढ़ते हैं फिर। भाई जिनका इंतज़ार था वो आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं तैयार होके। और जैद भाई भी हमारे आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं तैयार होके। तो चले फिर नमाज़ पढ़ने चले, इमरान का इंतज़ार कर रहे हो आप? सारे आ जाए तो फिर अभी एक और हमारा दोस्त आ रहा है, गली का जो भारी बछड़ा है हमारा, वो अभी आ रहा है, उसके पास हम ज़रा करीब जा रहे हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? चले फिर नमाज़ पढ़ने चलें क्या? क्या सीन है फिर? या इंतज़ार करना है अभी और बंदों? और आने में सारे बंदे हमारे जमा हो रहे हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। कटने जा रही है और बड़े नखरे कर रही है जाते हुए, जाने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल। हम लोग निकल रहे हैं गली से बाहर। चल भाई उसे यार, तो चला यार, चल क्यों रही है, बोली मैं आज नहीं कटूँगी लग रहा है। अबे भाई ये तो कसाई लग रहा है मेरे को। चलो भाई फटाफट जल्दी से पहुँच जाते हैं फिर। ओके, आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे साथ कुछ लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसेद भाई जो हमारे मेन बंदे हैं व्लॉग में होते ही हैं, अब्दुल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, नहा वाली इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। फिर क्या करना है उसेद भाई, अब अपनी आज काटोगे कल काटोगे? कल काटेंगे हम, दूसरी इनका सीन है दूसरी ईद का। तो फिर फटाफट पहुँच जाते हैं, सामने से जो है जानवर वगैरह आ रहे हैं कटने के लिए, तो जल्दी से फिर हम लोग पहुँच जाते हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। और अल्लाह ताला के प्यारे खलीफा हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्यारे मकबूल बेटे हजरत सैयदना हाबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तमाम बिलखुसूस जो का जिक्र किया गया कि रिवायत जिक्र मिलता है, और भी पहले के जो है वक्तों में, पहले ज़माने में अल्लाह ताला के पहले रब ताला की बारगाह में उस वक्त उस दौर के हिसाब से कुर्बानियाँ पेश करते रहे, और रब ताला अपने साया निशान उनकी कबूलियत पर आता रहा। तो भाई नमाज वगैरह जो है हमने पढ़ ली है, नमाज पढ़ के मैं भी आया हूँ, और कुछ जानवर जो यहाँ खड़े हुए थे वो आप देख सकते चले गए हैं कटने के लिए। और अभी हमारी गली में देखते हैं क्या सीन है, कौन से जानवर कट रहे हैं। तो फटाफट से भाई मैं चेंज कर लेता हूँ, और मुझे नींद भी बहुत आ रही है, तो अभी हम सो जाते हैं। तो इस छोटे से ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।